डबरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत फगुरम चौक की ग्राम केकरा भाटा की घटना हत्या का आरोपी गिरफ्तार। हम बता दें कि जहां केकरा भाटा की महिला मृतिका ननकुबाई राणा पति सुग्रीव राणा उम्र 58 वर्ष को, आरोपी वेद प्रकाश राणा पिता नथुराम राणा उम्र 32 साकिन केकरा भाटा द्वारा लोहे के धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। वहीं इस मामले में हत्या के आरोपी वेद प्रकाश राणा पति नथू राणा को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। प्रार्थी हीराबाई राणा पति नथुराम राणा उम्र 66 साकिन केकरा भाटा के द्वारा सूचना आज पुलिस को दी गई, जहां फगुरम चौक पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वेद प्रकाश राणा अपने पत्नी के चरित्र पर आए दिन शंका करता था और आज इसी कारण सुबह 5:30 बजे अपने पत्नी के साथ झगड़ा हो रहा था। इसे सुनकर बीच बचाव करने मौसी नानकुनबाई पहुंची, दोनों को समझा रही थी कि इसी बीच गुस्से में आकर आरोपी वेद प्रकाश राणा ने घर में रखे लोहे के तेज धारदार हथियार से गर्दन में ताबड़तोड़ हमला कर हत्या कर दी, जिस कारण घर के बरामदे में नानकुनबाई ढेर हो गई। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, प्रयुक्त हथियार को जब्त कर लिया गया है। आरोपी वेद प्रकाश राणा के विरुद्ध हत्या की धारा 302 IPC के मामला कायम कर गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं शव का पंचनामा के बाद PM के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डबरा भेज दिया गया है। DNX TV के लिए जांजगीर चापा से अश्विनी सिंह की रिपोर्ट। हमारे गांव केकरा भाटे मोर बड़े माँ भाटा कोला में रहते और गम पर इसके ऊपर बहनी के बेटा बहुत लड़ाई हुआ था कहके तो मतलब समझाया गिस तर बहनी के बेटा है ओला मार दिस तो हमन और माँ अपन निकल के भागीस वो लटपट तो फिर बताइस खोल में किसने इसने कर दे कहके मार दे कहके तो हमन गेन तो हमन नरियान तो नहीं सुनी बड़े माँ अपन तो हर बेटा निकली जे हमारे रहते हैं तो हाँ वो पूछेन बड़े माँ कहें कहें तो मार दो हमें कहीस तुमन जावा घर कहीस तो ते बाहर निकल कहें तो मैं नहीं निकलो कहीस और तुमन यहाँ मार दे तुम मतलब कहीस। सूचना मिला कि ग्राम केकरा भाट में किसी महिला की हत्या हो गई है, जिस पर तत्काल मौके पर पहुंचकर तस्दीक किया गया। मौके पर प्रार्थिया हीराबाई राणा ने बताई कि उसका लड़का वेद प्रकाश राणा जो 32 वर्ष का है अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका करता था। इस बात को लेकर लगातार वाद विवाद होता था और उसे यह भी शंका था कि इस कार्य हेतु उसकी मौसी मृतिका नानकुनबाई राणा भी सहयोग करती है, जिस पर आज सुबह करीब 5:30 बजे मृतिका नानकुनबाई आरोपी वेद प्रकाश को समझाइश देने के लिए उसके घर आई हुई थी। इसी दौरान आरोपी ने यह कहते हुए कि तुम कौन होती हो समझाने वाली मुझे, कहकर आक्रोश में आकर अपने घर में रखे लोहे के धारदार हथियार से मृतिका नानकुनबाई के गर्दन में प्राणघातक हमला कर उसकी हत्या कर दिया है। कि रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध धारा 302 IPC के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया एवं मर्ग पंजीबद्ध कर जांच कार्रवाई में लिया गया। जांच के दौरान आरोपी वेद प्रकाश राणा से घटना में प्रयुक्त लोहे के धारदार हथियार को जब्त किया गया है। आरोपी वेद प्रकाश राणा को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।